नमस्कार, मैं हूं माई अजीज और आप देख रहे हैं मेरे साथ। पूरे देश में गौरक्षा की रक्षा को लेकर सरकार न जाने क्या क्या कानून पास करवा रही है, मगर पूरे भारत में आवारा सांडों की समस्या को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। ये आवारा सांड गलियों और सड़कों पर खुले काम घूम रहे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही कई बार तो तेज वाहन के इनसे टकराने के कारण चालकों की मौत भी हो जाती है। साथ ही आवारा सांड के झुंडों पर शहर में जगह जगह घूमता रहता है। वहीं बाजार में सब्जी मंडी और अनाज मंडी में लोगों को तंग और परेशान करते हैं। लोगों को नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। कई बार तो आपस में ही भिड़ंत के कारण लोग कोई दुकानों में घुस कर उनके दुकान को दबा कर देते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही और आवारा सांड न जाने कितने लोगों की जान ले लेते हैं। हाँ जी सर, हमारी तो यही डिमांड है कि अगर उसकी सुसाइड का कारण हमें जो बता है अभी तक जो है वो उसका कारण है कि जो हायर अथॉरिटीज हैं कॉलेज की, उसके डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो रजिस्ट्रार हैं और जो प्रिंसिपल कॉलेज हैं, उनका हाथ है इसके पीछे, तो वो जिम्मेवार हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो प्रशासन है और जो कॉलेज अथॉरिटीज हैं उनको सस्पेंड करे और प्रशासन उनको गिरफ्तार करे और बनती जो भी इंक्वायरी है वो हो, SIT बना दी है तो हम संतुष्ट। ये एक रंजिश तो है, बिकॉज वो जो हॉस्टल कमेटी है हमारे कॉलेज की, हॉस्टल बॉयज की, उसका वो सीनियर था, उसका हेड था, उसका रिप्रेजेंटेटिव था, तो इस वजह से उसके साथ थोड़ी रंजिश थी कि इसको चुप करवाना है, जैसे एक एग्जांपल सेट करते हैं कि आगे से कोई नाम मत बोले, तो इस वजह से इशू एक बच्चे के सुसाइड करन तो खड़ा होया। वो सुसाइड उन्हें कर लिया सिर्फ ऐस करके क्योंकि उन्होंने रोल नंबर नहीं इशू होया, वह एक अकैडमिक सैशन का नुकसान हुंदा सीगा। एलीगेशन यह है कि वो रोल नंबर उन्होंने किसी बदनीति के तहत नहीं इशू किया गया, मैलाफाइड इंटेंशन नाल नहीं इशू किया गया। एलीगेशन हैगे ने प्रिंसीपल ते रजिस्ट्रार ते और हैड ऑफ डिपार्टमेंट ते, उन्हां दे तिन्हां दे खिलाफ मरण वाले दे माँ बाप की स्टेटमेंट के उपर केस रजिस्टर किया गया धारा 306 के तहत कैंट थाना दे विच, जिहदी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।